निकाले जाने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली बार कांग्रेस की इस हरकत को लेकर उनकी तरफ से बयान, उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस का शुक्रिया जो मुझे मुक्त किया है, लेकिन जो आरोप लगाकर मुझे मुक्त किया उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय संस्कृति का पालन करना पार्टी विरोधी है? क्या रामलला के दरबार में जाना पार्टी विरोधी होता है? प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा है कि एक राम भक्त को 5 साल के लिए पार्टी से क्यों निकाला, 14 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए था। इससे पहले प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा था कि राम और राष्ट्र से समझौता बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जनशक्ति ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने का फरमान जारी किया। साथ ही साथ मैं उनसे ही सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से, तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला? क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना पार्टी विरोधी है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना पार्टी विरोधी है? क्या नरेंद्र मोदी जी से मिलना पार्टी विरोधी है? क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देना पार्टी विरोधी है? क्या भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन की बात करना पार्टी विरोधी है? तो ये मेरे सवाल हैं जो कांग्रेस लीडरशिप से हैं, और कांग्रेस नेतृत्व को ये बताना चाहिए, देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सी बात और कौन सा बयान पार्टी विरोधी है। ये मेरी मांग है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो एक राम भक्त को 6 साल के लिए क्यों निकाला जा रहा है, इसको 14 वर्ष कर दिया जाए? मैं छात्र जीवन से राजीव जी को मैंने एक वादा किया था जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद जब इंदिरा जी की हत्या हो गई थी और राजीव गांधी जी से हमें राजेश पायलट जी ने मिलवाया था, हमने कहा था कि हम आखिरी सांस तक कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, हम अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, और इस वादे को हमने निभाया।